الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم एक और बलंदर सलावत اسلامی اور مسلمانان حسینی درسگاہ حسینی میں کتاب الہی کا وہ سورہ مرکز بحث ہے جس سورے کے اسماء ہی گوناگوں ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ اس سورے کے نام ہی اتنے ہیں کہ اگر ایک ایک نام ہی کی تشریح ایک ایک روز کی جائے تو بھی کافی وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس وقت محدود یقین کیجئے ہمارے پاس وقت محدود ہے کوشش کیجئے کہ لمحوں میں صدیوں کو سمیٹ سکیں وقت بہت محدود ہے اور لمحات بہت گریزاں ہیں اہل فکر کے لیے اہل ذکر کے لیے اہل علم کے لیے مجال ذکر و فکر و بحث بہت ہے مگر اگر درمیان میں رشتہ اخلاص کا ہو اخلاص خود سورہ اخلاص کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اور اخلاص ایک وصف بھی ہے اخلاص ایک حال بھی ہے اخلاص ایک مقام بھی ہے اگر انسان
इखलास के सहारे से आगे बढ़े, इखलास का कदम दरमियान में हो, दिल में इखलास हो, हकीकत से रिश्ता इखलास का हो, तो करम हुसैनी खुद ब खुद शामिल हाल हो जाता है। और जहां लुत्फ व करम हुसैनी शामिल हाल हो जाए, वहां मुमकिन नहीं है कि इंसान फैज़ हक से महरूम रह जाए, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कि इंसान फैज़ हक से महरूम रह जाए। इसलिए बहुत से काम जो दूसरे सदियों में करते हैं, अहले हक लम्हों में कर जाते हैं, और बहुत से काम जो अहले हक लम्हों में कर जाते हैं, वो दूसरे सदियों में भी नहीं कर पाते हैं। जमान और मकान की और शून हयात की ये रिलेटिविटी अभी तक कहीं अच्छी तरह जेर बहस लाई नहीं गई। ये इजाफियत, ये निस्बियत, इसीलिए मैं इस तरह की बहसें आप हजरात के सामने छेड़ रहा हूं। हकीकत क्या है, हकीकत से हमारा रिश्ता कैसे कायम हो सकता है, हकीकत से रिश्ता क्या इल्म के वसीले से कायम हो सकता है, तो इल्म क्या है, इल्म का तसव्वुर उमूमन हम नहीं कर पाते जब तक के जहन का दरमियान में कदम ना आ जाए। जहन क्या है, वो इल्म जो जहन के वसीले से हमें हासिल होता है, वो तो इल्म हुसूली है। जो काफी नहीं होता, देखिए पहले रोज से मैं एक तारीफ जो बहुत मुश्तरक है, बहुत कॉमन है, और बार बार मैंने अर्ज किया कि जो लॉजिक की और फिलॉसफी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये मिल जाएगा कि इल्म की तारीफ ये है कि इंतबाअ सूरत शय फिर ज़हन, किसी शय की सूरत या तस्वीर का जहन में आ जाना इल्म है। क्या वाकई यही इल्म है, किसी शय की सूरत का सामने होना और है, और उस शय का खुद सामने होना और है। तो क्या हम सूरत पर इक्तिफा कर लें, तस्वीर पर इक्तिफा कर लें, या शय तक पहुंचने की कोशिश करें? तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि शय तक हम पहुंच सकें? है ना मुश्किल मकामात, आसान तो नहीं है। यही वो मकामात हैं जो कदमों से नहीं पहुंचे जा सकते, उन तक कदमों से नहीं पहुंचा जाता, सर के बल पहुंचा जाता, सीने के बल रास्ता तय होता है, कदमों के बल नहीं। इन दो कदमों से मकानी फासले तय होते हैं, मानवी फासले सर के बल तय होते हैं। यूं ही नहीं कहने वालों ने कहा है, हकीम सनाई गजनवी का एक मिसरा सिर्फ इस वक्त जहन में आ रहा है कि इश्क बासर बुरीदगु यदरास, इश्क तो हमेशा कटे हुए सर से राज उगलता है। इश्क का मकाम बहुत बुलंद है, और वही इश्क जो कटे हुए सर से राज बयान करता है, वही इंसान को उसकी नाकिस अक्ल से आगे की मंजिलों तक ले जा सकता है।
ये याद रखिए, अपनी अकल पे नाजा होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये अकल इस खाकनाए दहर में आने के बाद, यानी ये अकल हमारी आपकी अकल, ये इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर इस फजा में आने के बाद मुकम्मल तौर पर खाक आलूद हो चुकी है, अपनी रौनक खो चुकी है, अपनी रौनक खो चुकी है। इसलिए इस अकल पे ज्यादा नाजा ना हो, वरना मंजिल नहीं मिलेगी। अच्छा, मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं। अपने नफ्स में डूबने की कोशिश तो कीजिए, आपको आपके बदन का इल्म तो आईने के हवाले से होता है, आपको खुद आपके बदन का इल्म, आपको खुद आपके रूए मुबारक का इल्म आईने की मदद से होता है या नहीं? कैसी मजबूरी है, कैसी बेचारगी है। क्या आपके जहन की सकत है? आंखें बंद करके आप अपने चेहरे को भी नहीं देख सकते? कहीं चेहरे पे दुनिया ने खाक तो नहीं मल दी है? चेहरे पे जो आलम कुद्स से नूर लेकर आए थे वो बाकी है कि रुखसत हो चुका है? इस चेहरे की खबर खुद आप, हम अपने चेहरे की खबर आईने के वसीले से हासिल करते हैं। ये इल्म, ये खबर, ये इल्म हुसूली कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्म हुसूली, हम हासिल करते हैं, ये हम हासिल करते हैं। और जहां आईने की जरूरत नहीं होती वो कौन सी मंजिल है? जब आप कहते हैं मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, या आपको अपने होने का इल्म, जिसको आप मैं से ताबीर करते हैं, ये आईना हो या ना हो, मैं को रियलाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैं को पहचानने के लिए, मैं को जानने के लिए किसी आईने की जरूरत नहीं है। ना आईने सिकंदरी, ना लोहे का आईना, फौलाद का आईना, ना शीशे का आईना, ना जहन का आईना, किसी आईने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि आप हैं। अगर आपके सामने कोई आईना ऐसा लाया जाए जिसमें साइंस ने कोई सहर कर रखा हो, यानी वो आपके सामने हो मगर आपका चेहरा नजर ना आ रहा हो, कुछ नजर ना आ रहा हो, तब भी क्या आप इनकार कर देंगे कि मैं नहीं हूं? तवज्जो है। कोई आईना आपके सामने ऐसा हो जिस पर साइंस ने सहर कर दिया हो, हैं? ये जुमले याद रखिए। और उस आईने में आपकी सूरत नजर ना आ रही हो तो क्या आपको अपने वजूद में शक हो जाएगा? पता नहीं मैं हूं या नहीं, होता तो आईने में नजर आता नहीं, कभी नहीं। और हमारे आप तो खुद आप अपने होने का इल्म रखते हैं और उस इल्म के लिए आईने के मोहताज नहीं है। मगर आप जो चेहरा रखते हैं, जो बदन रखते हैं, जो जिस्म रखते हैं, उसके इल्म के लिए आप आईने के और जहन के मोहताज हैं। इसके मानी यह है कि इल्म की दो किस्में हैं। एक वो किस्म है जो मोहताज है वसीले की, वासिते की, आईने की, जहन की, और एक वो किस्म है जो किसी वासिते, वसीले, आईने और जहन की मोहताज नहीं है। जब तक आप जहन और आईने का वसीला हाथ साथ में रखेंगे और सिर्फ उस पर एतमाद करेंगे, खुद अपनी जात को नहीं पहचान सकते, खुदा को क्या पहचानें?
तवज्जो है, देखिए शुक्र है। यह है तासीर नाम हुसैन। अगर खुदा की कसम ये फर्श अज़ा ना होता और ये मिंबर ना होता जो जिक्र हुसैन से मंसूब है, तो ये इल्म हुजूरी और इल्म हुसूली की बहस आपकी समझ में आती या मैं समझा पाता? हौज़ इल्मिया में रहने वाले महीनों वरक उलटते रहते हैं, इल्म हुसूली इल्म हुजूरी समझ में नहीं आता। और हमारे यहां इसे कहते हैं हुसैन, जिसके नाम की गूंज में ये तासीर हो उसकी निगाह में क्या तासीर होगी, उसके अनफास में क्या तासीर होगी, उसके वजूद मुबारक में क्या तासीर होगी। इसे कहते हैं हुसैन। इसीलिए तो मैंने आपसे अर्ज किया है कि अगर हकीकत तक पहुंचना हो तो सबसे मुअस्सर जरिया हुसैन इब्न अली का है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद। सबसे मुअस्सर मुमकिन है कि कोई साहब ये कहें कि अपनी अकीदत मंदी का इजहार कर रहे हैं। अकीदा है, मजहब है, अकीदा तो अंधा होता है, मोहब्बत तो अंधी होती है। तो ये बात मैं अर्ज कर दूं, पहले भी कह चुका हूं लेकिन ये बात समझ के उठिएगा, मोहब्बत अंधी नहीं होती। और वो शय जिसे अंधी मोहब्बत कहा जाता है वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा फर्ग मारिफत होती है, पहले मारिफत पैदा होती है तब मोहब्बत। मुमकिन नहीं है कि बगैर मारिफत मोहब्बत पैदा हो जाए, मुमकिन नहीं है। अगर बगैर मारिफत मोहब्बत है तो वो अंधी होगी, इसलिए वो मोहब्बत ही नहीं है असल। वो किसी भी और किस्म की कशिश से ताबीर किया जा सकता है। लेकिन देखिए कशिश तो मकनातीस में भी होती है। मकनातीस लोहे के जर्रों को खींच लेता है, नहीं उसको क्या मोहब्बत कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? मोहब्बत कहते हैं। मकनातीस की कशिश को भी मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत सिर्फ उस कशिश का नाम है जो इल्म और मारिफत के नतीजे में पैदा होता है। और एक बात और अर्ज करूं, काश ये बात भी जहनों में उतर जाए, बड़ी लतीफ है, नाजुक है, दकीक है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत से झगड़े हल हो जाएंगे, फैसले हो जाएंगे। उमूमन जो लोग मोहब्बत का दावा करते हैं, जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिस तरह मकनातीस लोहे के जर्रों को अपनी तरफ खींचता है। नहीं, बिल्कुल बरक्स है यह अमल। आपको किसी साहेब फजलो कमाल की मारिफत हासिल हुई, अब इस मारिफत से जो कशिश पैदा होगी वो उसे आप तक नहीं खींच कर लाएगी, आपको खींच कर उस तक ले जाएगी। बिल्कुल दो समतों में सफर है। मादी कशिश की समत अलग है, मानवी कशिश की समत अलग है। और हमारे यहां वो मादी कशिश है कि जो बुत बना के घर में रखती है, ये मानवी कशिश है जो घर लुटा के करबला ले जाती है। पढ़ते हुए मेंबर से करीब तशरीफ ले आए।
तवज्जो है तो सबूरात को क्लियर करते हुए जाइए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा इल्म का सही तसव्वुर तो हो कि इल्म क्या है, हकीकत का सही तसव्वुर तो हो कि हकीकत क्या है, मारिफत का सही तसव्वुर तो हो कि मारिफत क्या है, मोहब्बत का सही तसव्वुर तो हो कि मोहब्बत क्या है। दुनिया वालों ने तो जुनू का नाम खिरत रख दिया और खिरत का नाम जुनू रख दिया। ये हमारा और आपका काम है कि हम जुनू को जुनू कहें, खिरत को खिरत कहें और ये समझें कि हकीकत क्या है और ये जानें कि हकीकत तक पहुंचने का वसीला क्या है। लुत्फ मौला से बड़ी अजीम बहस है जो छिड़ गई है, काश ये बहस आपके दिलों में और दिमागों में जगह पैदा कर ले और जारी रहे। हकीकत और हुसैन, देखिए मुश्किल यह है बहुत बड़ी कि आम तौर पर जो मजहब का, रूहानियत का, मानवियत का जो तसव्वुर है ना जहनों में वो भी बड़ा नाकिस है और उस नाकिस तसव्वुर से फायदा कौन उठा रहे हैं, जिन्होंने मजहब को सनात बना दिया, रिलीजन को इंडस्ट्री बना दिया। यह है अलमिया, सबसे बड़ा जिहाद तो एक सच्चे रूहानी इंसान का यह है कि वो मजहब की, रूहानियत की, दीन की उस मानवियत को बाकी रखे, उसकी उस तहारत को बाकी रखे, उस कदासत को बाकी रखे और इसे सनात बनने न दे। और जिन लोगों ने सनात बना रखा है, जिन लोगों ने इसे इंडस्ट्री बना रखा है, उनसे अपने दिलो दिमाग को महफूज रखें। सबसे बड़ी मुश्किल ये, और ये इंसान बड़ी हद तक इस दुनिया में आने के बाद इसके अंदर एक जहनी रवैया होता है बारगेन का। ये इस तरह की बात है जैसे समझिए कि गोया इंसानी इंस्टिंक्ट में ये बात होती है और जिसे हम कहते हैं तजरीद, तज़किया, नफ्स को पाक करना। वो नफ्स को पाक करने के मानी ही ये हैं कि इंसान अपनी जिबिल्लत से, अपनी फितरत से, अपनी नफ्सियात से, फितरत और जिबिल्लत मैंने यूं ही नाम ले लिया, फितरत में बारगेन नहीं है। तो इस दुनिया में आने के बाद दुनिया के रवैयों से ये बातें पैदा हो जाती, अपने नफ्स को, अपनी नफसानियत को, अपनी नफसियात को, अपनी जहनियत को इससे पाक करता चला जाए, यानी जिससे मोहब्बत करे यूं ना करे कि मैं मोहब्बत करता हूं तो मुझे कुछ चाहिए। मैं मोहब्बत करता हूं तो मेरे कुछ मुतालिबे भी पूरे होने चाहिए, ये मोहब्बत है कि सियासत? ये तो सियासी जोड़ तोड़ की बात हो गई है कि पार्लियामेंट में मैं आपका साथ दूंगा तो आप बाजार में मेरा साथ दे दीजिएगा, बाजार में मैं आपका साथ दूंगा तो पार्लियामेंट में आप मेरा साथ दे दीजिएगा, तब तो दोस्ती बरकरार रहेगी वरना नहीं। पहले भी अर्ज कर चुका हूं, फिर अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत नूर है, इल्म भी नूर है, इल्म भी नूर है, मोहब्बत भी नूर है। इल्म के नूर होने पर जो अकली और वजूदी दलाइल हैं वो तो हैं, उसकी तरफ इशारा करूंगा, लेकिन इस वक्त एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करता हुआ आगे बढ़ूं जो हदीस नबवी है, सरकार रिसालत माब खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इरशाद फरमाया अल इल्म नूरुन
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. علم تو نور ہے, علم تو ایک خاص نور ہے, علم تو ایک عظیم نور ہے. اب آپ کہیے کہ یہ عظیم و خاص اور یہ سب الفاظ آپ کہاں سے لیے چلے آ رہے ہیں؟ فقرہ تو بس دو ہے, العلم نور. ہاں یہ عربی بلاغت کی تہداریاں ہیں. جب عربی بلاغت کی تہداریوں میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں تنوین کے بھی کتنے معنی ہوتے ہیں. تنوین کہتے ہیں اس نون کو جو تلفظ کیا جاتا ہے, لکھا نہیں جاتا, اور وہ کبھی دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کی شکل میں اسے ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں تنوین ہے. تو العلم نورن, نورن اس پر تنوین ہے. یہ تنوین کے کیا معنی ہے؟ صرف تنکیر کے لیے پیغمبر جب فرما رہے العلم نورن, یعنی علم ایک خاص نور ہے, علم ایک عظیم نور ہے, علم ایک مجرد نور ہے. علم نور مادی نہیں ہے, علم خود نور مجرد ہے. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے, کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے یہ علم. یہ نور کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے, کوئی دوسرا سر چشمہ نہیں ہے علم کا, کوئی دوسرا سر چشمہ نہیں ہے, نہ کوئی کتاب نہ کوئی صاحب کتاب, صرف اور صرف ایک سر چشمہ ہے علم کا, اور وہ ہے ذات حق سبحانہ و تعالی. اور جسے ذات حق براہ راست تعلیم کا دے کر, تربیت دے کر بھیجے, اور صرف بھیجے نہیں, ایک پیغام رساں کے طور پر نہیں, بلکہ یہ کہہ کر بھیجے یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ وہ بھیج رہا ہوں جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. جو تعلیم دے گا وہ خود نہ پڑھنا جانتا ہوگا نہ لکھنا جانتا ہوگا. معلوم ہے جو جو روایتیں موجود ہیں, جو جو باتیں حضور کے نام منسوب کر دی گئیں, کہ جب جبرائیل امین نے فرمایا اقرا تو حضور نے کہا ما انا بقارئ, مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ نے سنا تھا, آپ نے روایت پر غور فرمایا کہ یہ روایت کہاں گڑھی گئی ہے؟ اور کتنی روایتیں گڑھی گئی ہیں. شان نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کو مجروح کرنے کے لیے, مجروح کرنے کے لیے. اب بات آ گئی ہے تو کہہ کے آگے بڑھوں گا, آپ چاہے جتنا اعتراض کریں. ظاہر ہے جب ہم ممبر پر آئے ہیں, آپ نے اونچی جگہ بٹھایا ہے, تو تیر آ کر سینے میں لگیں گے تو اس سے تو میں خوف کھا نہیں سکتا. لیکن لازم یہ ہے کہ جو غلط روایتیں مشہور ہیں ان کے غلط ہونے کی طرف اشارہ تو کر دیا جائے. اب بطور مثال بس ایک بات, باب وحی میں, نزول وحی کے باب میں جو کچھ داستان سرائیاں ہوئی ہیں, کہانیاں گڑھی گئی, کہانیاں گڑھی شان رسالت کو داغدار کرنے کے لیے. میں بار بار کہہ چکا ہوں, حضور نے اپنے قلم سے نہیں لکھا زندگی بھر, ٹھیک ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. حضور نے اٹھا کر نہیں پڑھا کچھ, یہ ایک ریئلٹی ہے. لیکن پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے, نہیں جانتے تھے یا نہیں سکتے تھے, اصلا سکت نہیں تھی, صلاحیت نہیں تھی, قدرت نہیں تھی, یہ ملکہ نہیں تھا. اگر یہ ملکہ نہیں تھا تو اصلا وہ عنوان کیسے صحیح ثابت ہوگا کہ پروردگار نے کہا ہم انہیں معلم بنا رہے ہیں؟
मुअल्लिम बना रहे हैं। कौन बना रहा है? किसी सकीफा में रसूल को मुअल्लिम बनाया गया था? किसी सकीफा में मुअल्लिम बनाया गया था कि बाद में कहा जाए इज्तिहादी गलती हो गई? अरे हक सुभानहू व तआला नबी बनाकर भेज रहा है, रसूल बनाकर भेज रहा है, खातमुन नबीयीन बनाकर भेज रहा है। इनसे पहले जो नबी थे उन्होंने लोगों को लिखना सिखाया। नजाब इदरीस को इदरीस कहते इसलिए हैं कि वो दर्स देते थे, लिखना सिखाते थे, पढ़ना सिखाते थे। अगर ये लिखना पढ़ना नहीं जानते तो इदरीस अफजल हैं, मोहम्मद उनकी फजीलत नहीं रखते। मैं जज्बाती नहीं हूं, आवाज बुलंद हो जाती है किसी और सबब से। आप तसव्वुर फरमाइए, कुरान है आखिर, कुरान है। एक नहीं एक से जायद मकामात पे कहा गया हम इन्हें भेज रहे हैं किस लिए? मुअल्लिम बना के, युअल्लिम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? किताब। किताब तो पढ़ना ही नहीं जानते, ना पढ़ना जानते ना लिखना जानते। अच्छा, मुमकिन है कोई साहब उठे, जनाब आप समझे नहीं, यहां किताब से मुराद, यहां किताब से मुराद ये किताब नहीं है जो कागज पे लिखी हुई होती है, इससे कुछ और मुराद है। अच्छा, इसके मानी है कि आप भी तावील के कायल हैं, आप भी मजाज के कायल हैं। आप समझते हैं कि इस किताब से मुराद ये किताब नहीं है जो कलम से कागज पर रोशनाई के जरिए से लिखी जाए, कोई और किताब है? तो फिर वहां भी रखिएगा। जब हम कहें कि वकुल शैन अहसैना हो फी इमाम मुबीन, और फिर दूसरे मकाम पर आए किताबिन मुबीन, और हम ये कहें यहां किताब मुबीन से मुराद कागज पर लिखी हुई किताब नहीं है बल्कि इमाम मुबीन है। मगर वो अलग मकाम है, वो अलग मकाम है, वो अलग मकाम। यहां जब कहा युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, इसके मानी मलका था, इल्म था। मगर जितना इल्म था सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पूरे इल्म के इजहार के लिए, उन तमाम मलकात के इजहार के लिए, उन तमाम सलाहियतों के इजहार के लिए आपके ऊपर कुछ आदाब कुछ शराइत थे। कहां किस चीज का इजहार करना है, कहां किस चीज का इजहार नहीं करना, कहां किस मलके का इजहार करना है, कहां किस मलके का इजहार नहीं करना, कहां किस इल्म का इजहार करना है, कहां किस इल्म का इजहार नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है। सामने आने वालों को देख रहे हैं कि ये इंसान नहीं हैवान है, मगर उससे बर्ताव वैसा कर रहे हैं जैसे इंसानों से किया जाता है। हमारे बाद हजरात, अब जो मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं, दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जो कुछ आप सुने फौरन कबूल न करें और फौरन उलझने न लगे, सब्र पैदा कीजिए, सब्र। जो कुछ सुनिए सुकून से सुनिए, उसके बाद उस पर गौर कीजिए, और उसके बाद जो मसला जिस मैदान का हो उस मैदान के एक्सपर्ट से जाके समझने की कोशिश कीजिए। हर मसले के बारे में अर्ज कर रहा हूं,
अब कोई रास्ता चलते, मुझे दर्द है शदीद, और रास्ता चलते कोई दवा बता दे, आप क्या मशवरा देते हैं? खा लूं? दवा का मशवरा देने वाले कम नहीं है? दवा का मशवरा देने वाले कम नहीं है। आपका क्या मशवरा है? जो शख्स भी बता दे, और वो दावे से बताएगा, अरे जनाब ये कोई बात है, ये कोई बड़ा मसला है, अरे मामूली सा दर्द है, दर्द की दवा मुझे मालूम है, जिंदगी भर दर्द झेलते हुए गुजर गए, मैं जिंदगी भर दर्द की दवा खा रहा हूं, ये दवा आप खाइए अभी फायदा हो जाएगा, आपका क्या मशवरा है? खा लूं दवा? अभी बहुत मशहूर दवा एक डॉक्टर ने तजवीज की, दूसरे डॉक्टर ने कहा ना ये दवा इन्हें न दीजिएगा वरना नुकसान कर जाएगी। मेरे बारे में आज का वाक्य और फरमाया आपने, तो दवा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो उससे रुजू करना चाहिए, रिवायत जो उस मैदान का गवास हो उससे रुजू, यानी कोई भी किताब उठा ली और ये दावा कर लिया कि हम तो अखबारी हैं। अखबारी के मानी बेसवाद के नहीं है, अखबारी के मानी नऊज़ु बिल्लाह जाहिल के नहीं है, हमारे यहां जो अखबारी उलमा हैं हम उनका दिलो जान से एहतराम करते हैं, अखबारी उलमा का हम एहतराम करते हैं, हम उनकी तकफीर नहीं करते, नऊज़ु बिल्लाह, ना वो फासिक है ना वो काफिर है, मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नजरियाती इख्तिलाफ बाज मसाइल पर है, लेकिन आजकल जिस तरह से अखबारी होने का दावा करते हैं लोग और जो रिवायत सामने आ गई उस पर अमल करना शुरू कर दिया, ऐसा ना कीजिए। अव्वलन आप हम अपने हजम को पहचाने, हम क्या हैं? साइंस की बातें मैं कर रहा था मिंबर पर, लेकिन बहरहाल मैं कोई बात ऐसी नहीं कह सकता हूं साइंस के मैदान में यकीन के साथ कि आप सब लोग मान लीजिए जो मैं कह रहा हूं वो हर्फ आखिर है, इसलिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, अब नहीं हूं। साइंस की अपनी फील्ड है, अपना मैदान है, उसके तकाजे हैं, मैं उसका मुताला करता रहता हूं, लेकिन हर्फ आखिर मेरा नहीं हो सकता। इसी तरह दीन है, इसी तरह मजहब है, इसी तरह फिक्र है, इसी तरह शरीयत है, इसी तरह रिवायत है। अब एक रिवायत ऐसी है, देखिए इसमें मसलक का भी फर्क नहीं है। आप हजरात ने सुना होगा अक्सर बयान करते हैं लोग कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, तो जब मेराज से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और उन्होंने कहा कि अपने रब से अपनी उम्मत के लिए क्या लेके आ रहे हैं? कहा नमाजें, 50 वक्त की नमाजें। कहा फरजंदे इब्राहिम, दुर्रे यतीमे आमिना मुस्तफा, अरे तुम्हारी उम्मत में ये सकत नहीं है कि 50 वक्त की पढ़ सके, वापस जाओ, अल्लाह सुबहानहु तआला से कहो के परवरदिगार ने दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करता हूं मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी 50 वक्त की नमाज। तो वापस गए हजरत और उसके बाद खूब पढ़ी जाती है मेंबर्स, झूम झूम के लोग पढ़ते हैं और ऊंग ऊंग के लोग दाद देते हैं। या इसके बरक्स ऊंग ऊंग के पढ़ते हैं और आप झूम झूम के दाद देते हैं। हुजूर गए और हक सुभान व तआला ने क्या किया, 10 वक्त की कम कर दी। अच्छा जाओ 50 नहीं तो 40। फिर वापस आए और फिर बीच में जनाबे मूसा ने कहा क्या हुआ? कहा 40 का नहीं भाई, ये 40 भी नहीं पढ़ पाएंगे, वापस जाइए। फिर वापस गए, फिर हक सुभाने बताने 10 वक्त की कम कर 30। फिर वापस आए, फिर जनाबे मूसा ने रोका,
अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फिर वापस गए, फिर 10 वक्त की कम हुई, फिर आए, फिर रोका, फिर वापस गए, फिर 10 वक्त की कम हुई, फिर आए, फिर वापस गए, फिर 5 वक्त की कम हुई, फिर आए, फिर जनाब मूसा ने कहा तो रसूल ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है, अब नहीं जाऊंगा। आप हज़रात सोच रहे होंगे कि एक बार और चले ही जाते तो एक और सलावात पढ़ दीजिए। बस एक बार और चले जाते, या तो एक वक्त ही रह जाती या बिल्कुल ही माफ हो जाती है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आप गौर फरमाइए कि इस रिवायत को किसने जाल किया है। पहली मंजिल में खुद हक सुबहानहु व तआला का मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाह आलिम है, हकीम है, रऊफ है, रहमान है, रहीम है, अपने बंदों पर मेहरबान है, और वो हकीम, उसकी हिकमत कहां गई जब वो ये समझ नहीं पाया कि ये बंदे ये 24 घंटे में 50 रकात कैसे पढ़ सकेंगे। वो 100 घंटे का दिन रात तो बनाया नहीं था। तो सबसे पहला सवाल कायम होता है सिफात हक पर, दूसरा सवाल कायम होता है नबुवत मुस्तफा पर। ये खातमुन नबीयीन है, ये ज्यादा आलम है या मूसा अलैहि अला नबीना व अलैहि सलाम। गौर फरमा रहे आप। इसीलिए इल्म उसूल की किताब पढ़ने वाले आप देख लीजिए इस रिवायत को, अगर किताबों में मौजूद है, बकसरत मौजूद है। क्या हम अखबारी मसलक कबूल करके इस रिवायत को कबूल कर ले, बयान करते रहे? ना अल्लाह की अजमत बाकी रहती है, ना नबी की अजमत बाकी रहती है, ना उम्मत की आबरू बाकी रहती है, ना नमाज की हुर्मत बाकी रहती है। ये और इस किस्म की रिवायतें हमारी किताबों में भरी हुई हैं, जो खुदा दुश्मनों ने और इस्लाम दुश्मनों ने गढ़ी और हदीस की किताबों में भर दी। मशहूर तरीन रिवायत है, इसलिए मैंने इसे मौजू बनाया। अब उसूली उलमा का क्या काम है? परवरदिगार जन्नत नसीब फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जनाब अल्लामा शेख हसन इब्न ज़ैनुद्दीन शहीद थानी, उनकी मशहूर किताब है उसूल फिक्ह में, जो सदियों से पढ़ाई जा रही है, बड़ी पुरबरकत किताब है, इब्तदाई किताबों में से है। एक जमाने में पहली किताब वही पढ़ाई जाती थी इल्म उसूल फिक्ह में, उसका नाम है मआलिमुल उसूल, असल में तो उसका नाम है मआलिमुद्दीन व मलाज़ुल मुज्तहिदीन, लेकिन वो फिक्ह में किताब है, उसका मुकदमा है वो उसूल में। उस मुकदमे को अलग करके मुस्तकिल किताब के तौर पर फिर शाया किया गया और वो निसाब में दाखिल हो गया उसूल फिक्ह में। उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि भाई ये रिवायत खुदा के वास्ते इस पर एतबार ना करें। एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल, और तन्हा उन्होंने नहीं, न जाने कितनों ने। गौर फरमा रहे हैं, यानी बज़ाहिर कितनी दिलावेज और खूबसूरत दास्तान गढ़ी गई और आप सुनते रहते हैं और कभी जहन में शक शुबा पैदा हुआ, और हकीकत क्या है? न तौहीद सलामत रहती है, न रिसालत सलामत रहती है, न नबुवत सलामत रहती है, न नमाज की हुर्मत, ना आपकी आबरू उम्मत। और फरमा रहे हैं आप, इसी तरह खुद नबुवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या क्या कुछ है, वही की हकीकत, इकरा की कहानी यानी इकरा का वाकया, अगर सुनना हो तो उससे सुनिए, जिसने कहा है कि मैं नूरे वही और रिसालत देखता था और नबुवत की खुशबू सूंघता था। नहजुल बलागा में
بلند صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے, خطبہ قاصعہ, اس میں ایک جملہ ہے, فرماتے كنت ارى نورا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. میں نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا, نور وحی اور نور رسالت, نور وحی, نور وحی, نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی نکھت کو, نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. اب اسی وحی کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر لینے دیجئے تاکہ ذہن کے آفاق ذرا اور کھل جائیں. سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں, یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے. خدا کی عظمت کو پہچانے, نبی کی عظمت کو پہچانے. اگر میں کوئی پیغامبر آپ کے پاس بھیجوں براہ راست, تو آپ کو اس پیغامبر کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ پہچانے ہی گے نہیں کہ یہ پیغامبر ہے یا کوئی اور, تو پیغام محفوظ رہے گا, پیغام منتقل ہوگا, پیغام پہ یقین و اعتماد پیدا ہوگا؟ نہیں. اب بعض بیبیوں سے روایتیں ہیں, بعض لوگوں سے روایتیں ہیں کہ حضور پر جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں یا کوئی اور. یہ نبوت کا بیان ہے, یہ رسالت کی عظمت ہے. کہ مثلا غار حرا میں آئے, پیغام دے گئے, تو آپ لرستے ہوئے, کانپتے ہوئے, ڈرتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے اپنی زوجہ جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ آج عجیب واقعہ ہوا, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا, کون تھا, فرشتہ تھا, جن تھا, شیطان تھا, کون تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. پیغمبر خود پہلی منزل میں اگر شبہے میں مبتلا ہیں تو پھر پیغمبر پر ایمان والے, ایمان لانے والے یقین کہاں سے لائیں گے؟ کیا کیا مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں. عجب پہلی وحی نہیں, مان لیجیے پہلی بار جو وحی آئی تھی اس میں شک و شبہ ہو گیا, جب پہلی بار ایک بار ہو گیا تعلق قائم, اب دوبارہ تو پیغامبر کو پہچاننے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے, غار میں نہیں, غار حرا میں نہیں, مکے میں بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیت الشرف میں ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر وہ نظر آیا, پھر وہ نظر آیا, پتا نہیں کون ہے, فرشتہ ہے یا شیطان ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس وقت جناب خدیجہ فرماتی ہیں تم میرے قریب آ جاؤ, تم میرے قریب آ جاؤ, تم میرے قریب. اور لوگ یہ پڑھتے ہیں اور مجمع سر دھنتا ہے, کس نے سحر کر دیا عقلوں پر تمہاری مسلمانوں, کس نے جادو کر دیا؟ یہ عظمت نبوت ہے, یہ عظمت وحی ہے, یہ عظمت رسالت ہے, یہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت ہے. بی بی خدیجہ فرما رہی ہے میرے قریب آ جاؤ. اللہ نے رسالت کس پر نازل کی تھی, خدیجہ پر یا مصطفیٰ پر؟ میرے قریب آ جاؤ, بتاؤ. اچھا میرے بالکل زانو پہ بیٹھ جاؤ, بتاؤ کہ اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے, اب بھی نظر آ رہا ہے. اچھا اپنا سر میرے سینے کے قریب یا میرے لباس کے اندر ایسے لے آؤ, اب بھی نظر آئے گا؟ اب نہیں نظر آ رہا. کہا پھر یہ یقیناً جبرائیل ہے.
ये शैतान नहीं हो सकता, अगर शैतान होता जिन होता तो ये नऊज़ु बिल्लाह इसमें हया ना होती, गैरत ना होती, अब भी रहता। मगर तुम अब मेरे इतने करीब हो गए हो और उसने आंखें फेर ली चला गया, इसका मतलब ये फरिश्ता है। क्या मेयार है फरिश्ते को पहचानने का? रसूल नहीं पहचान रहे हैं कि ये जिब्राइल है। खदीजा मुख्तलिफ तरीकों से आजमा कर बता रही है मोहम्मद ये जिब्राइल है। ये है मुसलमानों का लिटरेचर, ये है रिवायतें, ये है हदीसें। इस तरह आपने अपने नबी को पहचाना है और 1400 बरस गुजर गए, 1500 बरस गुजर गए। अगर नबी की नबूवत और वही की हकीकत यही है तो फिर मुसलमान यकीन में कैसे पुख्ता हो सकता है? रसूल खुद, अल्लाह भेजने वाला किसके पास? रसूल के पास। किसको भेजने वाला? जिब्राइल को। और रसूल पहचान नहीं पा रहे। क्या लिटरेचर है, क्या सही सही किताबों में उम्दा उम्दा हदीसें लिखी हुई। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मुसलमानों अजमत रिसालत को पहचानो, मुसलमानों अजमत नबूवत को पहचानो, मुसलमानों नामों से वही को पहचानो और उन हस्तियों से तारुफ हासिल करो जो नूर नबूवत देखते थे, जो नूर रिसालत देखते थे, जो खुशबू नबूवत सूंघते थे, जो नखत नबूवत सूंघते थे, जिन्हें रसूल ने अपने अज्जा करार दिया है। रसूल ने जिनसे मिन्नियत का रिश्ता कायम किया है। अली से फरमाया अली यो मिन्नी व अना मैन, हसन के लिए फरमाया हसन व मिन्नी, हुसैन के लिए फरमाया हुसैन व मिन्नी। अगर वही का वही फलसफा है तो यकीन फरमाइए कयामत तक कोई सही तौर पर जहीन इंसान, अकलमंद इंसान, दानिशमंद इंसान, कोई हकीम, कोई फलसफी, कोई आरिफ ईमान नहीं ला सकता, यकीन नहीं हासिल कर सकता। लेकिन अगर वही की हकीकत को जानना हो, इसीलिए बस अब एक गुरेज है, वक्त गुजर गया, बहुत समेट के बहुत ताकत जमा करके आया था और जो कुछ अर्ज करना चाहता था आज वो रह गई बातें। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अभी चंद शबे हैं, गुजारिश करूंगा। ये जुमला अलबत्ता पहले अर्ज कर चुका हूं कि किस वक्त तारीख आलम में हुसैन का जुहूर हुआ है, किस वक्त, किस वक्त? जब तख्त बैठने वाले बागी शाम कि जबान से वही का इनकार हो रहा था। किस चीज का इनकार हो रहा था? वही का इनकार, नबूवत का इनकार, असल नबूवत का इनकार। लोग यजीद को मुसलमान साबित करना चाहते हैं, लोग यजीद को मुसलमान साबित करना चाहते हैं और यह बहस है कि वो मुसलमान था तो उस पर लान जायज है या नहीं। मैं तो हर उस शख्स के इस्लाम पर शुभे की निगाह डालता हूं जो ये बहस करे कि यजीद पर लान जायज है या नहीं। कोई फकीह, कोई मुज्तहिद ये बहस करे कि यजीद पर लानत जायज है या नहीं, समझ लीजिए ये न फकीह है, न मुज्तहिद, न आरिफ। इसका किसी भी चीज से ताल्लुक हो सकता है मगर खुदा से ताल्लुक नहीं है। किसी दरबार से हो सकता है, किसी सरकार से हो सकता है, किसी मसलक से हो सकता है, किसी गुरोह से हो सकता है, मगर खुदा से ताल्लुक नहीं हो सकता। इसलिए कि यजीद की जबान पर क्या था? लाइबत बनू हाशिम बिल मुल्क फलाह,
मलकुन जा अवला वहयु नजल। ये तो बनी हाशिम ने एक खेल खेला था, एक ढोंग रचा था, ना कोई फरिश्ता नाजिल हुआ था, ना कोई मलक आया था, ना कोई वही नाजिल हुई थी। ये इनकार खत्म नबुवत नहीं है, ये इनकार असल नबुवत है। आप हजरात बाज मुल्कों में बैठकर बहस खत्म नबुवत की करते हैं और उन लोगों के इस्लाम को जेरे सवाल लाते हैं जो खत्म नबुवत में शुभा करते हैं, और जो असल नबुवत में शुभा करे वो रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या दोहरा मेयार है, इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। असल नबुवत में शुभा, इनकार शुभा नहीं इनकार। लैबत बनू हाशिम, बनू हाशिम ने खेल खेला था, ढोंग रचा था, किसकी खातिर? मुल्क की खातिर, इख्तदार की खातिर, हुकूमत की खातिर। देखिए ये फिक्र बुनियादी फिक्र है, याद रखिए। आज तक बहुत से मुसलमान इस्लाम के मानी यही समझते हैं कि हमें बस इस्लामी हुकूमत कायम करनी है, अगर इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हुई तो बस इस्लाम खतरे में। इस्लाम की हुकूमत जमीन पर कायम बाद में करो, अपने दिलों पर पहले कायम करो। जो साले इस्लामी हुकूमतें हैं उनकी आबरू अपनी जगह महफूज, लेकिन ये जो इधर उधर से पैदा हो जाते हैं, जो असलहे के अलावा कोई जबान नहीं समझते। मैं कल भी अर्ज कर चुका हूं, कोई सियासी तकरीर नहीं है मेरी, लेकिन एक बात दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो रखिएगा, एक तरफ इस्लामी हुकूमत कायम करने का वो तरीका है कि बच्चों को जबा किया जाए, औरतों को असीर किया जाए, बाजारों में कनीज बनाकर बेचा जाए, अपने ही कलमा गोयों को जबा किया जाए, और वो किरदार के जो खुद इनको बनाने वाले हैं वो इन्हें डिसओन करें। और फरमाया आप, वाकई ऐसे मोड़ पे गुफ्तगू पहुंच जाती है कि मुझे फिर ऐसे मकामात पर लफ्ज ढूंढने के लिए डिक्शनरी की जरूरत होती है, और डिक्शनरी में जो अल्फाज मिलते हैं वो बयान करने के लायक नहीं होते। बस इससे ज्यादा क्या अर्ज कर, बाज अल्फाज ऐसे हैं जो हम लोगों के यहां शुरफा के घरानों में बोले नहीं जाते, तो उनको ढूंढने के लिए मुझ जैसे तालिबिन को तो डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। ये मेरी जिंदगी का वाकया है, अलमिया है। एक मरतबा एक साहब मेरे सामने दुष्नाम देकर चले गए, मेरी समझ में नहीं आया क्या कहा इन्होंने, किससे पूछता, एक बुजुर्ग से पूछा भाई इस लफ्ज के क्या मानी है, तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया। बस मैं समझ गया कि ये कुछ नाजेबा लफ्ज है, जाके डिक्शनरी में ढूंढता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहज्जबुल लुगात में वो लफ्ज मिल गया। परवरदिगार बुलंदियां अता फरमाए जनाबे मिर्ज़ा मुहज्जब लखनवी साहब को, यादगार कारनामा है इसमें कोई शक नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूं मजबूरी होती है हम जैसों की, जो खुद जन्म देने वाला है वो डिसओन करे तो उसे क्या कहेंगे। जो पैदा करने वाला है वो डिसओन कर रहा है उसे क्या कहेंगे, क्या उन्वान है, अब दाइश को क्या कहेंगे। बहरहाल एक ये रविश है कि हम बस जबान शमशीर और कोई जबान नहीं। मेरा कोई ताल्लुक, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरा ईरानी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यह मालूम है कि इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने और उनके बाद आयतुल्लाह अल-उज़्मा खुमैनी खामेनेई साहब ने जो हुकूमत कायम की है वो बजोर शमशीर नहीं। यहां नजर आता है इनके इनकी रविश को, इनके रवैये को देखकर समझ में आता है कि इन्होंने कम से कम दर्स वहां से लिया है
जहाँ तलवार असल नहीं है, मवद्दत असल है, मोहब्बत असल है, मारिफत असल है, इल्म असल है, सलीका असल है, कानून असल है। किस सब्र से, किस पामर्दी के साथ, किस तरह उसका मुकाबला भी करते हैं, और अगर दूसरी जगहों पर भी जंग की आग भड़काई जाए तो किस तरह उसे बुझाने में मदद करते हैं। रवैये अलग अलग है। ये और बात है कि माशाल्लाह आज का मीडिया, मीडिया भी तो इंडस्ट्री है, जैसे रिलीजन इंडस्ट्री है वैसे मीडिया इंडस्ट्री है। जब मजहबी लोग बिक जाते हैं तो ये बेचारे मीडिया के लोग कैसे नहीं बिक सकते भाई, है? सभी बिक जाते हैं, मजहबी लोग भी बिक जाते हैं, मीडिया के लोग भी बिक जाते हैं, तो नतीजा यही होता है कि जुनू का नाम खैरत और खैरत का नाम जुनू। वरना जो मकतब वही के, मकतब अहले बैत के परवरदा उलमा हैं, उनके यहां तलवार को हमेशा सानवी दर्जा रहा। बात आगे बढ़ती चली जा रही है, मगर बहरहाल ये सब वो पैगामात हैं जो पहुंचाना जरूरी है, कि हमारी जिम्मेदारी है। आप जरा गौर फरमाइए, ठहरिए ठहरिए, गौर फरमाइए। पूरी कायनात की तारीख पढ़िए, तारीख आदम, तारीख बशर। खुदा की कसम, वो हुकूमत जो सरकार रिसालत महाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कायम की थी मदीने मुनव्वरा में, मदीने मुनव्वरा में कैसी हुकूमत थी। हालांकि ये बहस ऐसी है कि खुद इस पर एक दो अशरे पढ़े जा सकते हैं। हुजूर ने कैसी हुकूमत कायम की थी, किस तरह कायम की थी, यानी हुजूर के सरबराह ममलिकत होने के लिए इलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, रेफरेंडम हुआ था। खुदा की कसम, किस तरह मुस्तफा ने हुकूमत की है। हमारी मौजूदा पॉलिटिकल साइंस की डिक्शनरियों में कोई प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है नहीं जिससे हम डिस्क्राइब कर सकें कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने किस तरह हुकूमत कायम की। हुजूर की हुकूमत, और चूंकि वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, इसलिए एक जुमले में समेटकर बड़ी लंबी चौड़ी बहस आगे बढ़ जाऊं। आपने बार बार सुना होगा, बार बार सुना होगा कि सियासत का खास गुर क्या है, डिवाइड एंड रूल। और क्या, आप कहीं वो प्लेटोनिक थ्योरी न पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। डिवाइड एंड, तकसीम करो हुकूमत करो, तोड़ फोड़ करो कब्जा करो, उजाड़ो फिर बसाने के बहाने से खुद आबाद हो जाओ। उजाड़ो फिर बसाने के बहाने से खुद आबाद। यह है सियासत, ये वो सियासत है जो 19वीं सदी और 20वीं सदी और 21वीं सदी में हम देख रहे हैं। यानी सियासत के मानिए लड़ाओ और हुकूमत करो। मुमकिन है कि फिरौन और नमरूद वगैरह के जमानों में भी यही सब हो रहा हो। मैंने जहां तक मुताला किया, वाहिद सरकारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हुकूमत है। जो कायम ही इस बुनियाद पर हुई और कुरान मजीद ने इसका एहसान जताया है, और तारीख गवाह है कि जो लड़ने वाले कबीले थे उनमें इत्तेहाद पैदा कर दिया, इसलिए उन्होंने हुकूमत तस्लीम की। इनको जाओ वो उनको जाओ, और हमारे यहां एक कुनबे में फूट डाल देते हैं ताकि हुकूमत कर सकें। भाई को भाई से जुदा करना, बेटी को बाप से जुदा।
जुदा करना, भतीजे को चचा से जुदा करना, यह सियासत है। हुजूर ने औस व खजरज के दरमियान और छोटे छोटे न जाने कितने जहां भी जंग थी, जदल का माहौल था, लड़ाइयां थी, उन सब में तालीफ कल्ब करके, दिलों को मोह के, मोहब्बत डाल के इस तरह शीरो शकर बना दिया कि सबने खुद ब खुद हुकूमत तस्लीम कर ली। खुदा की कसम, इंसानियत की तारीख में न कोई ऐसा हुक्मरान पैदा हुआ है, न कोई ऐसी हुकूमत कायम हुई जैसा हुक्मरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। महदूद वक्त में क्या कुछ अर्ज कर सकता हूं, ये हर हर फिक्रा तकरीर का एक मुस्तकिल मौजू है। अब दामन ने बयान को समेटता हूं। इस्लाम दीन मोहब्बत है, इस्लाम दीन मारिफत है, इस्लाम दीन इल्म है, इस्लाम दीन हकीकत है, इस्लाम नूर है, और इसलिए ये अगर कहीं से हासिल हो सकता है तो नूरानी शख्सियतों के हवाले से। ये उनसे हासिल हो सकता है कि जो हक के साथ रहे हों, हक जिनके साथ रहा हो, जिनसे हक कभी जुदा ना हो सकता हो। और ये सनदें कहाँ मिलेंगी, पैगंबर से पूछिए, पैगंबर ने फरमाया है अलीयुन मअल हक वल हक मअ अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। कोई मुतबर मुहद्दिस, कोई भी नवासिब के पास भी चले जाए, अगर वो इल्म हदीस पर गुफ्तगू करेंगे तो इस हदीस का इनकार नहीं कर सकते कि हुजूर ने फरमाया अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। उसके बाद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैथुमा दार अली, ए परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। अब मैं दस्ते अदब जोड़ के बस इतना पूछता हूँ मुसलमानों से, मुसलमानों, प्यारे मुसलमानों, अजीज मुसलमानों, अजीम मुसलमानों, शमे नबुवत पर जान छिड़कने वाले मुसलमानों, परवाने रिसालत बनकर शहीद होने वाले मुसलमानों, ये बताओ ये रसूल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये दुर्रे यतीम आमिना अल्लाह को प्यारा था या नहीं? अल्लाह ने इस रसूल की दुआ सुनी या नहीं? अल्लाह से दुआ की थी ना, हक उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। तो चाहे पहली मंजिल हो, दूसरी मंजिल हो, तीसरी मंजिल हो, आखिरी मंजिल हो, जहां जहां अली होंगे हक वहां होगा। चौराहों पर और चौपालों पर हैरान नहीं मिलेगा, हक को मालूम है किसके नक्शे कदम पे चलना है। हक तो वहां होगा जहां अली के नक्शे कदम होंगे, और ये खसूसियत इस पाकीजा नस्ल की है। बस एक जुमले में आपकी तबीयतें मुनकलिब हो जाएंगी। शबे आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया है आशूर के वाकयात का, और अस्हाब ने, अजीजों ने उठ उठ के अहदे वफा की तजदीद की, तो इमाम हसन का एक बच्चा
जो अभी बालिग नहीं हुआ है। उठा, भोला सा नूरानी चेहरा है, नूरानी चेहरा है, कद इतना है कि कोई जरह इसके कद के लायक नहीं है। उठा अपनी जगह से, अम्मू जान क्या मेरा नाम भी महजर शहादत में है या नहीं? क्या बेटे पहले ये बता, मौत कैसी लगती है? तो मालूम है जवाब देने वाले बच्चे ने क्या कहा, यह है जुर्रियत फातिमा, यह है जुर्रियत अली, यह है नस्ल अली। अम्मू जान क्या हम हक पर नहीं आए? बेटे हम हक पर नहीं होंगे तो कौन होगा? काफिर अहला मिन अल असल, हक पर मरना तो फिर मौत शहद से ज्यादा शीरी है। क्या जवाब है, क्या गुफ्तगु है, क्या मुकालिमा है। बस अब आप आमादा हैं, परवरदिगार आपकी आंखों को गम हुसैन में कभी खुश्क ना रखे। और इसके अलावा आपको कोई गम ना दे। जिन माओं के पास बच्चे हैं अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे। किसी को वो मंजर न देखना पड़े जो बीबी उम्मे फरवा ने देखा। कल मैंने अर्ज किया था ना, करबला में 9 माएं थी जिनकी आंखों के सामने बच्चे जबा कर दिए। कयामत तक कोई खातून या कोई फर्द बीबी जनाब उम्मे फरवा के दिल की कैफियत को समझ ही नहीं सकता, इसलिए कि जिस मंजर को देखने की हुसैन ताब न ला सके उस मंजर को और कौन बर्दाश्त कर सकता है। जिस मंजर को देखने की ताब हुसैन न ला सके, आपको मालूम है आका हुसैन की शजाअत, सब्र, सबात कदम। तारीख में दुश्मनों ने लिखा है कि हमने ऐसा कोई शजा और साबिर नहीं देखा। जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती जाती थीं, हुसैन का चेहरा दरख्शां होता जाता था, दमकता जाता था। कहीं कोई अलामत नहीं थी ज़ाफ की, कमजोरी की, खौफ की, गम की कोई अलामत नहीं थी, सदमों की कोई अलामत चेहरे से अंदाजा नहीं होता था। और बार बार आज ये जुमला पढ़कर आया हूं मैं, एक मुअर्रिख की किताब में, जो मुअर्रिख बहरहाल मसलके अहले बैत से ताल्लुक नहीं रखता, वो कहता है कि बार बार हुजूम होता था हुसैन के, एक एक सहाबी की शहादत के बाद हुजूम होता था, और जिस वक्त और हुसैन तलवार लेकर इस तरह जिहाद करते थे कि वो सारा हुजूम बिखर के रह जाता। किसमें ताकत है जो आका हुसैन के सब्र को, सबात को, शजाअत को समझ सके? लेकिन जिस वक्त कासिम आए हैं और उन्होंने कहा है अम्मू जान मुझे मरने की इजाजत दीजिए, तो ये भी रिवायत है कि एक मर्तबा आका हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया और इतना रोए कि हुसैन भी गश खा के गिरे जमीन पर। कासिम ये लम्हे होते हैं, ये गिरिया बुजदिली का गिरिया नहीं होता। क्या क्या यादें आका हुसैन को ताजा हो गई यादें। ये रिवायत है, रिवायत, आका हुसैन भी गश खा के जमीन पर गिर गए, कासिम भी फिर उठे, फिर सीने से लगाया, खूब रोए, खूब गिरिया किया, और उसके बाद मैदान की तरफ भेज दिया और
कुछ देर इस बच्चे ने जंग की, खूब जंग की, बड़े बड़े सूरमाओं को तह तह किया, मगर ये बच्चा बच्चा है, बच्चा है। देखिए ना, एक तो जिस्म पर कोई जरा नहीं है, सर पे कोई खोद नहीं है, यही कपड़े का एक अमामा है, हल्का सा कुर्ता है, हाथ में एक तलवार है। लड़ते लड़ते रकाब से एक मर्तबा पांव उलझा तो नालायन का तस्मा टूट गया। मैदान जंग में यह है बचपना, झुक कर किस मासूमियत से नालायन का तस्मा खुद दुरुस्त करने लगे। बस ये लम्हा वो था कि एक दुश्मन करीब आया और उसने एक गुर्ज सर पे मारा। अब संभला ना गया, जमीन पर आए और आते आते कहा, चचा जान मदद कीजिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, काश ये रातें तमाम न हो और हम कयाम कयामत तक हुसैन पर गिरिया करते रहे। हुसैन पर गिरिए का हक कोई अदा कर सकता है? कोई हुसैन को कासिम का पुरसा दे सकता है? कोई उम्मे फरवा को कासिम का पुरसा दे सकता है? किसी में सकत है जो तसल्ली दे सके, दिलासा दे सके? ये वाहिद आवाज है जिसने हुसैन को मदद के लिए पुकारा है। ये भी बचपन के तकाजे, ये वाहिद आवाज है, वाहिद आवाज। वरना हर शहीद शहादत के वक्त कहता था, आका आप पर आखिरी सलाम, बस मदद के लिए कोई नहीं पुकारता था। ये बच्चा है, ये बच्चा, इसने कहा, चाचा जान मदद को आइए। आका हुसैन तेजी से घोड़ा बढ़ाकर आगे बढ़े, लेकिन जब करीब गए तो देखा एक शकी है, चाहता है कासिम का सर कलम करे। ये मंजर हुसैन से देखा ना गया। गजब की तरह गरज कर उसे आवाज दी, तेरी ये मजाल है मेरे होते हुए कासिम का सर कलम करे। आपकी आवाजें बुलंद हैं, आपकी आवाजें बुलंद हैं, इसलिए और वक्त गुजर चुका, इसलिए इजाजत दीजिए, अब मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, सकत नहीं है, दो जुमले अर्ज करूंगा। दो आका हुसैन से दस्ते दम जो, आका हुसैन, आका, आप जैसा शुजा, आप जैसा साबिर, आप जैसा से बात कदम रखने वाला एक कासिम का गला कटते हुए ना देख सका। आपके बाद बीबियों ने अकबर देखा और मोहम्मद का गला कटते देखा, आपका गला कटते देखा। किसमें सकत है जो ज़ैनब को दांत दे सके? किसमें कुव्वत है जो लैला और रबाब को दांत दे सके? कैसे बीबियों ने देखा होगा, कैसे देखा होगा जब इनके सामने सबके गले कटे हैं और नैज़ों पे बुलंद किए गए। बस आखिरी फिक्रा अर्ज करूं, आका हुसैन के कलाम को सुनकर वो शकी दूर हुआ, मगर मगर आका ने चाहा कि उसे सजा दे। जिस जब उस पे हमला किया तो फौजों में हलचल पैदा हो गई और उस वक्त इधर के सवार उधर, उधर के सवार उधर, फौजों की आमद और रफ्त में वो बच्चा जिसने मदद के लिए पुकारा था घोड़ों की टापों से जीते जी पामाल हो गया। अब हुसैन लाशा नहीं लाए, कासिम के बदन के टुकड़े रेदा में खैमगा की तरफ आए। वाह हुसैन, वाह हसन, वाह अलिया, वाह मोहम्मद, मातम हुसैन।